लो महाराज अभी तक सो रहे हैं भाई। इस गांव में हर आदमी पर काम है, इसे छोड़ के। रे गुड्डू गुड्डू, रे भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे कौन है बे? अरे पिताजी तुम, अरे तुम लात क्यों मार रहे हो मुझे? अरे अभी तो लात मारी है, तू तो जूता खाने के काम करे भाई। अरे पिताजी ऐसा मन ने क्या कर दिया जो तुम मुझे दूध घी खिलाने की जगह जूते खिला रहे हो? अरे इसी बात को तो रोना है बेटा, तू कुछ करता नहीं है। अरे पिताजी अब तुम के जा रहे हो, मैं तड़की तड़की गांव लूट लूं के? अरे गांव लूटने को कौन कह रहा तुझसे? अरे तो फिर क्या कह रहे हो पिताजी तुम? कुछ ऐसा कहो जो मेरी समझ में आ जाए। तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि तेरे सर में दिमाग नहीं, गोबर भरा हुआ। गोबर भरा है मेरे दिमाग में? अरे पिताजी मेरे दिमाग में गोबर किसने भर दिया? मैंने गिरा बता क्या करेगा पिताजी? ये तो थारी गलत बात है, तुमने अपने बेटे के दिमाग में गोबर घेर दिया। अब अगर मेरे दिमाग में उपले बन गए तो फिर मैं क्या करूंगा? ये तो कोई खरीदने का भी नहीं। मैं उन उपलों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा दूंगा। अरे पिताजी उपलों में आग क्यों लगाओगे? दो दो रुपए के बेच दियो, कुछ पैसे आ जाएंगे थारे पास। अब तू अपनी कॉमेडी जल्दी से बंद कर और खड़ा हो ले। अरे पिताजी पहले ही इतने दिनों के बाद कॉमेडी शुरू हुई है और तुम इसे बंद कराना चाह रहे हो? तुम्हें हंसता खेलता छोरा अच्छा नहीं लग रहा क्या? मुझे हंसता खेलता छोरा बुरा ना लगे, मुझे तो छोरा सोता हुआ बुरा लगे। बस इतनी सी बात पिताजी, लो मैं अभी उठ जाता हूँ, हाथ दो जरा अपना। ले उठ। अरे पिताजी, अरे उधर कहाँ जा रहे हो तुम? अरे ये पिताजी भी पता नहीं कहाँ को चले जाना है। ठीक तो हो तुम? मन में तुम्हें उठाने की कही थी और तुम इधर आगे भाग के। अरे ऐसा के दिख गया तुम्हें इधर? पिताजी तुम तड़की तड़क निहार क्यों खा रहे हो? माने रोटी नहीं दी के? ये निहार तो मैं डांगरों के लिए लाया था, छोड़ो इसे। छोड़ दो पिताजी, इतनी स्वाद लग रही है के यू के कर रहे हो पिताजी? निहार छोड़ दो। अरे तुम खा जाओगे तो डांगर के खाएंगे। अरे छोड़ दो, मैं तुम्हें निहार नहीं खा रही, तू बड़ी मुश्किल से लाया मैं। छोड़ दो, के कर रहे हो तुम? यो के पट्टे दिमाग खराब कर। मुझे क्यों मारा? मैं निहार खाने को ही तो मना कर रहा था। अरे शांत, इस लौंडे ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, दो पैसे का नहीं है लौंडा। हाँ जी, अकेले अकेले क्या खा रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं खा रहा, तुझे हर टाइम खाने की पड़ी रहे। देखो जी, तुमने शादी वाले दिन मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ के अकेले कुछ नहीं खाओगे, और आज तुम मुझे छोड़ के ही खा रहे हो। जल्दी बताओ क्या खा रहे हो? मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, खाएगी तू? अब क्या खाऊंगी मैं, अब तो तुम खा गए सारे रसगुल्ले और मुझे पूछा भी नहीं। अरे क्यों रो रही है कलावती? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई तुमसे प्यार करके। तुम रसगुल्ले अकेले अकेले खा लेते और मुझे पूछते भी नहीं, ये बात तो मैं माँ को बताऊंगी। अरे तुझे किस गधे ने कहा है कि मैंने रसगुल्ले खाए? अभी तुमने ही तो बोला था कि मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, तू भी खाएगी क्या? अरे वो तो मैं गुस्से में बोल रहा था कि मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ। अच्छा जी, अब तुम मुझ पर गुस्सा भी करने लगे? अब तो मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे इतनी बड़ी बात ना होगी कलावती जो तू अपने घर जाएगी। तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। हे भगवान, क्या करूं मैं? करोगे क्या? मुझे सच सच बताओ तुमने कितने रसगुल्ले खाए हैं? अरे मैं रसगुल्ले ना खा रहा था, मेरे मुंह में दर्द हो रहा था इसलिए मुंह बंद करके बैठा था। ऐसे कैसे दर्द हो रहा मुंह में? तुमने कुछ खाया होगा तभी तो दर्द हो रहा है तुम्हारे मुंह में। अरे भगवान, मेरे मुंह में निहार फंस गई थी इसलिए मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। निहार कैसे फंस जाएगी तुम्हारे मुंह में? मुझे पागल बना रहे हो? अरे मैं तुझे पागल नहीं बना रहा, मैं तुझे सच बता रहा हूँ, मेरे मुंह में निहार ही फंस गई थी। खाओ मेरी कसम कि तुम्हारे मुंह में निहार ही फंस गई थी। तेरी कसम मेरे मुंह में निहार ही फंस गई थी और मैं तुझे छोड़कर कुछ खा सकता हूँ क्या? तेरी कसम मैं झूठी ना खा रहा, सच बता रहा। देखो जी, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कर रही हूँ, पर मुझे छोड़कर कभी कुछ खाना मत। अरे हम खड़े गाँव के रहने वाले है,
एक बार जवान दे देते हैं ना, उसके बाद पीछे नहीं अड़ते भाई। फिर ठीक है जी, अब तुम बताओ तुम क्या खाओगे। पहले तू एक काम कर, मुझे कप चाय पिला दे और फिर तू अपनी बकवास करिए। ठीक है जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। ठीक है। डब्बे भी खराब होने लग रहे हैं, इन्हें भी नया लाना पड़ेगा। अबे खुल जा। क्या हो गया? तो खुल ही नहीं रहा, इसे देखूं। अबे खुल जा। तुम्हें क्या हो गया, कहाँ फंस गया? अबे खुल जा। मन मोगया तेरी आँखियाँ काली हाज, हाय रे मन बस गई तू। अजी ऐसे क्या देख रहे हो तुम? अजी मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अभी खड़े गांव में ही हूँ या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने अपने गांव में पहली बार परी देखी है, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि मैं अभी खड़े गांव में ही हूँ या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। अभी तक तुम गांव में ही हो और भैंसों की नियार कर रहे हो। अच्छा जी, मैं अभी खड़े गांव में ही हूँ, तो फिर तुम हरे गांव में क्या कर रही हो? तुम्हें तो स्वर्ग में होना चाहिए, परियां तो स्वर्ग में ही अच्छी लगती है ना। अजी मैं कोई परी नहीं हूँ, मैं तो रोशनी हूँ। अजी तुम्हें एक बात बताऊँ, हमारे घर में 4 महीने से रोशनी नहीं आई है, आज लग रहा है कि हमारे घर में रोशनी आई है। अच्छा एक बात बताओ, ये कालू कौन है? मुझे एक बार कालू से मिलना है। अजी एक बार क्यों, तुम तो बार बार मिलो कालू से, कालू तो बहुत बढ़िया छोरा है। वो तो ठीक है, पर मिलू कैसे, कालू है कहाँ? अजी ये तो रहा, थारे सामने ही तो खड़ा है कालू। तुम कालू हो, लग तो नहीं रहे हो कालू से। अजी तुम्हें के बताऊं मैं अपनी कहानी, वैसे तो मेरा नाम गुड्डू है, पर इन ससुरो गांव वालों ने मुझे कालू कालू कह के मेरा नाम ही कालू रख दिया है। तुम तो बिल्कुल भी काले नहीं हो, फिर कालू क्यों कहते हैं तुम्हें गांव वाले? अजी पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे तो आज तक बताई नहीं, मन ने तो कई बार बूझ भी ली। ये तो बहुत गलत बात है गांव वालों की। हाँ जी गलत बात तो है इनकी, कालू भी कोई नाम है, इससे बढ़िया तो भूरा रख देते, कम से कम सुनने में तो अच्छा लगता। हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो तुम। अजी गलत बात तो कालू करता ही नहीं है, और तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं पैदा हुआ था ना तो 3.5 गांव के लोग मुझे देखने आए थे, तब से लेकर अब तक मैं गोरा ही हूँ, बस ये गांव वाले पता नहीं क्यों मुझे कालू कालू कहते रहते हैं। वैसे गलत बात है गांव वालों की, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। अजी इन खड़े गांव वालों को कौन समझाए, इनकी समझ में कुछ आती ही नहीं, कितनी भी समझा लो रहते वैसे के वैसे ही हैं। कालू जी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अजी क्या हुआ कालू जी, तुम रो क्यों रहे हो? अजी तुम्हें के बताऊं, आज तक मन ने बस यही सुनी थी, ओए कालू इधर आ, ओए कालू उधर जा, आज मैंने पहली बार ना कालू जी सुना है, इसलिए मेरे खुशी के मारे ना आंसू निकल गए। तुम बताओ जी तुम्हें के काम है? अजी मुझे 3-4 दिन गाय का दूध चाहिए था, दे दोगे तुम? हाँ जी दे दूंगा, बताओ तुम्हें कितना दूध चाहिए, मारा तो काम ही दूध बेचने का है। मुझे 2 किलो दूध चाहिए था। बस 2 किलो मिल जाएगा जी, बताओ किसके घर देना है? मेरे ही घर में देना है जी, अहेड़ा गांव में। ठीक है जी, आज शाम को थारे घर दूध पहुंच जाएगा, और बताओ क्या चाहिए? बस जी तुम दूध ही पहुंचा दो। अजी दूध की तो तुम चिंता ही मत करो, दूध की तो मैं नदियां बहा दूंगा, तुम कहो तो डेयरी थारे गांव में खोल दूं मैं अपनी। अच्छा कालू जी राम राम। अजी राम राम जी राम राम। भाई छोरी हो तो राम राम करने वाली हो, वरना छोरी ही ना हो। दूध तो मैं इनके घर जरूर पहुंचाऊंगा। अरे के देख रही हूँ मैं बार बार, आज तो छोरी भी ना आए घर में, आज तो मैं नाचूंगी जी भर के। रुक जा कोई बढ़िया सा गाना लगाती हूँ, ये तो दिख भी नहीं रहा है। हाँ
इस गाने पे नाचूंगी मैं। लग गया। तब तो जवान थी, शाम को बुढ़िया हो गई, नाच भी बढ़िया रही है। ओ समझो मैडम जी मजबूरी का, मैं घूंघट घना जरूरी है। एक बुलारी सू मैं महंगा कोन्या हो बेच दिया पूरी। ओ समझो मैडम जी मजबूरी का, मैं घूंघट घना जरूरी है। एक बुलारी सू मैं महंगा कोन्या हो बेच दिया पूरी। हां भाई तू कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है, जल्दी बता कौन है तू। अजी मेरा नाम कालू है और मैं दूध देने आया हूँ। तू दूध भी देता है के? अजी मैं दूध क्यों दूंगा, दूध तो भैंस देती है। अभी तू ही तो कह रहा था कि मैं दूध देने आया हूँ। अजी मैं गाय का दूध देने आया हूँ, मुझे लगता है तुम मुझे कुछ गलत समझ रही हो। पर मन ने तो दूध मंगाया अभी नहीं, और तुझे एक बात बताऊ, मैं दूध भी ना पीती हूँ। दूध नहीं पीती हो तो फिर क्या खून पीती हो, दूध पिया करो, देखो कितनी कमजोर हो रही हो। अरे तू थोड़ा सा बावड़ी पूछ है के, मैं सिर्फ हुक्का पीती हूँ और कुछ नहीं। अरे तुम हुक्का पीती हो वो तो ठीक है, अब मैं इस दूध का के करूँ ये तो बताओ। अरे मेरे ते के पूछ रहा है, तेरा दूध है तू जाने तेरा काम जाने। अजी ये तो थारी बहुत गलत बात है, तुम तो अपनी जवान से ही पलट रही हो। सुबह तुमने ही तो कहा था 2 किलो दूध चाहिए और वो भी गाय का, मतलब बढ़िया वाली गाय का लाया हूँ। अरे मन ने कद कही तुझे दूध को, मैं तो तुझे जानती भी नहीं, तू है कौन। अजी मैं कालू हूँ, अभी तो बताया है तुम्हें। अरे तू कालू हो चाहे आड़ू हो, जब मन ने तुझे कह दी कि मुझे दूध नहीं चाहिए तो फिर नहीं चाहिए। देखो जी दूध तो तुम्हें लेना पड़ेगा, थारे चक्कर में मैंने किसी और को भी दूध नहीं दिया, ये तो मेरा बेकार हो जाएगा ना। ये अच्छा तरीका है तेरा दूध बेचने का, जब मन ने तुझे कह दी कि मुझे दूध नहीं चाहिए तो फिर भी लगा अपनी मार्केटिंग करने में। मैं एक काम करता हूँ, थारे लिए दूध सस्ता कर देता हूँ, फिर तो ले लोगी दूध। लगता है जब तक मैं दूध नहीं लूंगी ना तब तक ये यहाँ से जाएगा नहीं। अच्छा चल बता कितना सस्ता देगा दूध। देखो जी वैसे तो मैं 60 रुपए किलो दूध बेचता हूँ, पर थारे लिए मैं 65 रुपए किलो दूध लगा दूंगा, अब तो ले लोगी। अच्छा मजे चालाकी दिखा रहा है, खड़े गांव से आया है के? हाँ जी, तुम्हें कैसे पता कि मैं खड़े गांव से आया हूँ। फूलवती नाम है मेरा, तुझे के लग रहा है यू बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं। पर थारे बाल सफेद कहाँ है, यू तो काले हो रहे हैं। अरे ये तो मैंने कलर करा रखे हैं ताकि मैं थोड़ी सी जवान लगूं। वो तो ठीक है जी, अब कम से कम ये तो बता दो तुम यू दूध लोगी या नहीं। नहीं मैं तेरा दूध नहीं लूंगी। तो फिर गाय का ले लो। अरे ना मुझे गाय का दूध चाहिए ना मुझे बकरी का चाहिए, अरे मुझे किसी का दूध नहीं चाहिए। तो फिर तुम एक काम करो जी, तुम भैंस का दूध ले लो, वो ताकतवर भी बढ़िया हो वे। देख भाई कालू अब तू ये अपना दूध लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर ना तेरा दही बना दूंगी। अजी तुम मेरा दही क्यों बनाओगी, तुम एक काम करो यू दूध ले लो, इसका दही बना लो। तू ऐसे नहीं जाएगा, रुक जा। तो बुढ़िया पागल होगी। बताओ एक तो पिताजी ने साइकिल ली थी, पर से इस बुढ़िया ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। आज के बाद नहीं आने का मैं अड़ा गांव में दूध देने, वो तो मैं उस छोरी की वजह से आ गया। अजी सुनियो एक मिनट। अरे कालू जी तुम इधर कहाँ से आ रहे हो। अजी मैं तो थारे घर ही गया था दूध देने, पर थारे घर पे तो थारी जैसी खड़ूस बुढ़िया मिली, उसने दूध लिया ही नहीं। कालू जी वो मेरी माँ है और मैंने ना उनको बताया नहीं था कि तुम दूध लेकर आने वाले हो, इसलिए ना उन्होंने दूध लिया नहीं तुमसे। अच्छा जी वो थारी माँ है, वो तो सेम टू सेम थारी तरह लग रही थी। अरे कालू जी वो मेरी तरह नहीं लगती है,
मैं उनकी तरह लगती हूँ? अजी कुछ भी कह लो, बात तो एक ही है ना, चाहे तुम उनकी तरह लग जाओ चाहे वो थारी तरह लग जाए। कालू जी तुम बातें बहुत करते हो। अजी क्या करें, आपको देखकर बातें अपने आप मेरे मुंह से बाहर निकल के भागने लगती हैं। अच्छा अब ये बताओ कि दूध देने कब आओगे? अजी दूध तो मैं थारे लिए साथ ही ले रहा हूँ, लो ले जाओ। कालू जी दूध तो मैं ले जाऊंगी, पर ये तुम्हारी डोली देने वापस कौन आएगा? अजी तुम डोली की चिंता मत करो, डोली की कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, डोली मैं लेने आ जाऊंगा तुम कहो तो। नहीं तुम बार बार परेशान मत हो मेरे लिए। अजी इसमें परेशानी की क्या बात है, हमारा तो काम ही दूध देने का है। वो तो ठीक है कालू जी, पर तुम परेशान होगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अजी जितनी चिंता तुम मेरी कर रही हो ना, इतनी चिंता तो आज तक मेरे माँ बाप ने नहीं करी मेरी। तो मैं काम करती हूँ, मैं आ जाऊंगी डोली वापस करने के लिए। अजी तुम आओगी डोली वापस करने? मुझे तो लगता आज खड़े गाँव के भाग्य खुल जाएंगे। क्या हुआ कालू जी, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? अजी मैं क्या सोचूंगा, हम आज ही ये डोली वापस करने, और मैं डोली लेने के लिए गेट पे ही खड़ा रहूंगा। ठीक है जी। इस छोरी को देखकर ऐसा लग रहा है ये खड़ा गांव लूट के ही रहेगी। भाई अब तो घर पे पता ही करानी पड़ेगी है, काफी चीज से भरे इसमें। हाँ अगर तुम मिल जाओ मैं डेरी बेच दूंगा। चलो लगाता हूँ नौकर। हैं पिताजी कहाँ गए? अरे पिताजी वहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया? मर गए। हैं? अरे क्या हो गया? मर गए। ठीक तो हो तुम? हाँ। पिताजी नहीं मुझे एक बात बता बेटा, ये धरती उल्टी क्यों दिखाई दे रही है? धरती उल्टी दिखाई दे रही है पिताजी? हाँ। वो पिताजी तुम उल्टे लेटे पड़े हो ना, इसलिए तुम्हें धरती उल्टी दिखाई दे रही है। तुम एक काम करो खड़े हो जाओ, आ जाओ। हाँ। पिताजी के खाओ, तुम तो गंजे भारी हो रहे हो। आ जाओ। यहाँ बैठो पिताजी तुम। अब कैसा लग रहा है पिताजी, धरती उल्टी से सीधी दिखाई दी तुम्हें? हाँ हाँ अब मुझे थोड़ी थोड़ी सीधी दिखाई दी है। मुझे एक बात बता, मुझे टक्कर किसने मारी? पिताजी मैंने तो देखा नहीं, किसने तुम्हें टक्कर मारी? एक बात बता, कहीं तूने ही तो मुझे टक्कर ना मारी? कैसी बात कर रहे हो पिताजी, मैं तुम्हें टक्कर मार सकता हूँ क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने टक्कर मारी है और तू बता नहीं रहा। अरे पिताजी मैं तुम्हें टक्कर कैसे मार सकता हूँ, मैं तो अभी दूध दे के आया हूँ। अरे तू अपनी माँ से बोल मेरे लिए गिलास पानी ले आएगी। जी पिताजी। अरे माँ, अरे ओ माँ, अरे अंदर के कर रही है तू? अरे क्यों मामा चिल्ला रहा है, क्या मिल गया तुझे? अरे माँ मिल कुछ नहीं गया, तू एक काम कर पिताजी के लिए गिलास पानी ले आ। ये काम तो तू भी कर सकता है, मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? अरे माँ पिताजी को तेरे हाथ का ही पानी पीना है, इसलिए तुझे बुलाया है। अरे तुम बाप बेटों को भी चैन नहीं पड़ता है, सारा दिन लगे रहो कुछ ना कुछ करने में। अरे माँ अब तू पानी लाएगी या नहीं, या पूरा दिन टीचर ही बनी रहेगी तू? अरे ला रही हूँ, आफत क्यों काट रहा है? ये ले पी जितना पीना है। अरे माँ मुझे पानी नहीं पीना है, पानी तो पिताजी पियेंगे। अरे गुड्डू की बापू क्या बात होगी, यूं कैसी हालत बना रखी है तुमने? अरे माँ पिताजी को किसी ने टक्कर मार दी है और पिताजी गिर गए। टक्कर मार दी? मेरे होते किसने टक्कर मार दी, मैं ही बता रही उनको टक्कर मारने को। हाजी किसने टक्कर मार दी थारे को? अरे भगवान उसे मैं देख तो ना पाया, अगर सुसरे को मैं देख लेता ना तो अच्छे से ठीक कर देता। इसीलिए बोलती हूँ कि चारों तरफ देख के चला करो, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? अरे तू दिमाग खराब तो करे मत मेरा, तू जल्दी से पानी दे दे मुझे। अब लेटे लेटे पानी पियोगे, उठ के तो बैठ जाओ कम से कम। पिताजी मैं तुम्हारे लिए दर्द की गोली ले आता हूँ, कितने दम आराम करो। ठीक है ले आ।
अरे कहाँ रहेगी, अभी तक आई नहीं। अरे आ जा जल्दी से, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आ गई। अरे कालू तुम तो गेट पर ही खड़े हो, किसका इंतजार कर रहे हो? अजी मैं थारा ही इंतजार कर रहा था, तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, मैंने थारे लिए खाट बिछा रखी है। आओ 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 जी बैठो जी। ये लो कालू तुम्हारी डोली, और अब मैं चलती हूँ। अजी ऐसे कैसे चली जाओगी तुम? अभी तो तुमने ना पानी पिया ना चाय पी, ऐसे थोड़ी जाने देंगे हम तुम्हें। अरे पानी तो मैं पी कर आई हूँ। अजी वो तो तुम अपने घर पे पी के आई होगी ना, हम भी तो अपने घर की चाय पानी पिला के भेजेंगे तुम्हें। कालू जी तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। अजी इसमें परेशान होने की क्या बात है, घर पे आए हुए मेहमान की आओ भगत तो करनी पड़ती है ना। मैं चाय नहीं पीती हूँ कालू जी, इसलिए मना कर रही हूँ। अच्छा जी तुम चाय नहीं पीते हो, तभी तुम इतनी गोरी हो। मैं चाय पी के थोड़ा सा काला हो गया हूँ। अच्छा सुनो, मैंने ना अपनी माँ को बता दिया है, अब तुम दूध है ना टाइम पर देने आ जाना। अजी मैं टाइम से 2-4 घंटे पहले आ जाऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? टाइम से पहले कैसे आ जाओगे, और लोगों को भी तो दूध देना होगा आपको। अजी उन्हें भी दे देंगे, वो मेरे ससुरे कौन सा मेरे लिए इतने जरूरी हैं। पहले हम दूध तुम्हें देंगे, उसके बाद उन्हें देंगे। अच्छा कालू जी अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अजी तुम ऐसे बिना कुछ खाए पिए जा रही हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी खा लूंगी। तो तुम एक काम करो जी, ये टॉफी खा लो, मुझे लगेगा तब मेरे घर से कुछ तो खा के गई। ठीक है लाओ। जिंदगी में पहली बार दूध बांटने का मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है 200-400 भैंसे और खरीद लूं मैं। लौंडे ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। हाँ।